भव्य रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ के परिवार ने नाहन में की नगर परिक्रमा। सिरमौर जिला मुख्यालय में जगन्नाथ यात्रा में हिंदुओं के साथ साथ शामिल होते हैं मुस्लिम व सिख समुदाय के लोग। अजय सोलंकी ने बतौर विधायक पहली बार भगवान की पालकी को कंधा लगाकर किया यात्रा का शुभारंभ। यात्रा के दौरान बारिश रुकने को भगवान का चमत्कार मान रहे हैं श्रद्धालु। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में भगवान जगन्नाथ आज अपनी बहन सुभद्रा व भाई बलभद्र के साथ भव्य रथ पर सवार होकर नगर परिक्रमा पर निकले। देश के कुछ एक हिस्सों में बेशक ऐसे धार्मिक उत्सवों के दौरान तनाव की खबरें भी आती हो, मगर सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम और सिख समुदाय के लोग भी हमेशा से भगवान जगन्नाथ की यात्रा में न केवल शामिल होते हैं बल्कि कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए हर संभव सहयोग भी करते हैं। परंपरा के अनुसार अपने मंदिर से चौगान मैदान तक भगवान पालकी में निकलते हैं और इसके बाद पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ताल पर भव्य रथ पर सब परिवार नगर परिक्रमा करते हैं। स्थानीय एमएलए अजय सोलंकी ने बतौर विधायक पहली बार भगवान की पालकी को कंधा लगाकर यात्रा का शुभारंभ किया और क्षेत्रवासियों को साल में एक बार होने वाले इस महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव के लिए शुभकामनाएं दी। प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह नाहन शहर में भी हालांकि सुबह बारिश का दौर जारी रहा, मगर यात्रा का शुभ मुहूर्त शुरू होते ही बारिश रुक गई और श्रद्धालु इसे भगवान जगन्नाथ और इंद्रदेव का चमत्कार करार दे रहे हैं। मंदिर के पुजारी पंडित रामदत्त ने बताया कि भगवान जगन्नाथ मंदिर न पाने वाले दिव्यांगों व बुजुर्गों को साल में एक बार घर द्वार दर्शन देने के लिए नगर परिक्रमा पर निकलते हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में न केवल सिरमौर व जिला मुख्यालय नाहन बल्कि पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड व यूपी आदि से भी काफी श्रद्धालु हर साल पहुंचते हैं। कोरोना काल में 2 साल बंद रही भगवान जगन्नाथ की यात्रा गत वर्ष से फिर से पारंपरिक अंदाज में शुरू हो चुकी है और आज सैकड़ों लोगों ने भगवान जगन्नाथ का रथ खींच कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। निष्ठा को भगवान पूर्ण करते हैं और सभी के ऊपर जो है दृष्टिपात करके हमें अनुग्रहित करते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ जी की जो यात्रा निकलती है उसका एक ही अभिप्राय है कि कोई मंदिर में कोई जा नहीं सकता, हम जो है कलिकाल में घिरे हुए हैं, तो भगवान ने अपना ये संकल्प लिया जगन्नाथ जगत के स्वामी जन जन के लिए ऐसे ही है। ना कोई वर्ण से भगवान को कोई मतलब है, ना कोई किसी प्रकार से कोई ऐसा है। और भगवान श्री जगन्नाथ जी तभी जो है कोई बूढ़ा है, बच्चा है, कोई मंदिर जा सकता है, कोई नहीं जा सकता है, उनको दर्शन देने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर जो है ये बहुत प्राचीनतम मंदिर है नाहन नगर में, ये पीठ जो है आज की नहीं है। यात्रा का जो आज शुभारंभ हो रहा है, मैं उसके लिए सभी नाहन वासियों को बधाई देता हूँ और भगवान जगन्नाथ से कामना करता हूँ कि हमारे नाहन में, हमारे जिला सिरमौर में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में खुशहाली रहे, भाईचारा रहे, सभी घरों में सुख शांति रहे और हमारा देश, हमारा शहर खूब तरक्की करे, तरक्कियों की बुलंदियों तक पहुँचे और आपसी भाईचारा बना रहे, नाम हो कि नाहन में शहर नगर में जो है जगन्नाथ यात्रा की जाती है। आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ यात्रा के लिए। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।